नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार शर्मा और मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल एग्जाम आर पार में। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक क्वेश्चन पेपर। देखिए, ये जो मेरा क्वेश्चन पेपर लाने का जो मोटिव है दोस्तों, मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि हमारे DMRC के एग्ज़ाम जो मेंटेन इलेक्ट्रीशियन के हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, यानी 16 या 17 फरवरी से हमारे एग्ज़ाम क्या हो जाएंगे दोस्तों, स्टार्ट हो जाएंगे। और जिसमें आप पिछले अगर क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखेंगे दोस्तों, जो पिछली बार 2018 में आपके ये जो पेपर है, देखिए दोस्तों 13/4/2018 का है, ठीक है ना। यानी जो हमारे शिफ्ट में पेपर हुए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हमारे पेपर हुए थे दोस्तों अलग अलग डेट में, तो इसमें आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। मैंने कुछ वीडियो पहले भी डाली हुई हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हैं, ठीक है ना। यानी 5, 6, 7 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है ना, ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको जो क्वेश्चन क्या है, रिपीट हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको कुछ क्वेश्चन इसमें से मिल जाएँ और उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन में आपका एक नंबर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। यानी पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, डैश का उपयोग करके एसी आपूर्ति रेखा की आवृत्ति को मापा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आवृत्ति रेखा यानी आपूर्ति रेखा की आवृत्ति को किससे मापा जाता है दोस्तों, एक आवृत्ति फ्रिक्वेंसी मीटर द्वारा। यानी फ्रिक्वेंसी मीटर के द्वारा हम आवृत्ति को मेजर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और देखिए दोस्तों, भारत की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है हमारी, वो होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है ना। और डीसी की फ्रिक्वेंसी की बात करूं तो डीसी कितनी होती है, 0 हर्ट्ज होती है। डीसी की कितनी होती है दोस्तों, 0 हर्ट्ज होती है। अगर मैं अमेरिका की फ्रिक्वेंसी की बात करूँ दोस्तों, तो वहाँ पर कितनी होती है, 60 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है दोस्तों, 60 हर्ट्ज होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वो ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही कुंडली यानी वाइंडिंग प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कुंडलियों का कार्य करती है, डैश कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसमें एक ही वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों का कार्य करती है। तो ऐसी कौन सी वाइंडिंग होती है दोस्तों, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है। किसमें होता है दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है। इसमें एक ही लिंब पर हमारी दोनों वाइंडिंग लपेटी जाती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ठीक है दोस्तों। ये भी एक स्टेप और स्टेप डाउन प्रकार का हो सकता है। चलिए, और जनरली इसका बात करें तो ऑटो ट्रांसफर का यूज जनरल क्या होता है दोस्तों, स्टेबलाइजर वगैरह में इसका यूज हम करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो कन्वर्टर जिसमें डीसी जनरेटर और एसी मोटर को यांत्रिक रूप से युग्मित किया जाता है, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, क्या इसके रूप में जाना जाता है, कि मोटर जनरेटर सेट के रूप में क्या होता है दोस्तों, जाना जाता है। किसके रूप में, मोटर जनरेटर सेट के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी पहले जो वीडियो थी मैंने उसमें आपको देखना, आप देखना उसमें आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुधार यानी रेक्टिफिकेशन डैड के उपयोगों में से एक है। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब किससे होता है दोस्तों, डायोड से होता है। किससे होता है दोस्तों, डायोड से होता है, ठीक है ना। यानी रेक्टिफिकेशन डैश के उपयोग में से एक है, तो कौन से उपयोग में से एक है दोस्तों, डायोड के उपयोग में से एक है, ठीक है ना। यानी रेक्टिफिकेशन क्या करता है, डायोड क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर रेक्टिफिकेशन के रूप में। या डायोड क्या होता है दोस्तों, एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, डैश को हासिल करने के लिए डीसी जनरेटर समांतर क्रम में चलाए जाते हैं। यानी डैश को हासिल करने के लिए डीसी जनरेटर समांतर क्रम में चलाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसमें चलाए जाते हैं, उच्च विश्वसनीयता। किसके लिए चलाए जाते हैं, उच्च विश्वसनीयता के लिए चलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि रोशनी इल्यूमिनेशन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, किसका किया जाता है, दीप्तिमापी यानी फोटोमीटर का किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों, दीप्तिमापी का किया जाता है। इल्यूमिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, सब लाइटिंग सिस्टम आती है, जनरल लाइटिंग सिस्टम आती है, इसके अंदर ही सारा लैंप्स वगैरह भी सारे किस्में आते हैं दोस्तों, इसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डाइवर्ट लाइटनिंग अरेस्टर्स। तो देखिए दोस्तों, किसमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डाइवर्ट लाइटनिंग अरेस्टर्स। यानी डाइवर्ट कौन करता है लाइटनिंग अरेस्टर को, यानी कि क्या करता है दोस्तों, सर्ज डाइवर्टर करता है। कौन करता है दोस्तों, सर्ज डाइवर्टर करता है। यानी किसका उपयोग करते हैं हम, सर्ज डाइवर्टर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी द्रव माध्यम से विद्युत प्रवाह करने पर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्मेचर के प्रोग्रेसिव लेप वाइंडिंग में सामने वाले पिच और पीछे के पिच के बीच का संबंध डैश द्वारा निरूपित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, निरूपित धनात्मक संकेत के द्वारा निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, धनात्मक संकेत के द्वारा उसको निरूपित किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, वे उपकरण जो तुलनीय तरीके से उपयोग किए जाते हैं, वे उपकरण जो तुलनीय तरीके से उपयोग किए जाते हैं वे हैं डैश, तो दोस्तों क्या है उसके अंदर तुलनीय तरीके से उपयोग किया जाते हैं, वोल्ट मीटर और आवर्ती मीटर, यानी वोल्ट मीटर और फ्रिक्वेंसी मीटर हैं। कौन से हैं दोस्तों? वोल्ट मीटर और फ्रिक्वेंसी मीटर तुलनीय तरीके से उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि एक अच्छे इंसुलेटिंग पदार्थ की मुख्य आवश्यकता है, एक अच्छे इंसुलेटिंग पदार्थ की मुख्य आवश्यकता है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन में जनरली कम विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, कम यांत्रिक शक्ति और कम ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो देखिए दोस्तों कोई भी हमारा एक इंसुलेटिंग मटेरियल होगा तो उसकी उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए, और जिसमें लिखा है दोस्तों कम यांत्रिक शक्ति, उसकी यांत्रिक शक्ति भी ज़्यादा होनी चाहिए, और कम ब्रेकडाउन भी, जो बात करो ब्रेकडाउन वोल्टेज भी क्या होनी चाहिए दोस्तों? ज़्यादा होनी चाहिए एक इंसुलेटिंग पदार्थ की मुख्य आवश्यकताओं की बात करें तो। इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, यानी उच्च विशिष्ट प्रतिरोध इसमें आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि डीसी मोटर में बल आघूर्ण यानी टॉर्क फ्लक्स तथा धारा के डैश मान के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी चुंबकीय संतृप्ति बिंदु यानी चुंब मैग्नेटिक सैचुरेट पॉइंट के क्या होता है दोस्तों? मान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शाफ्ट लोड को अव्यवस्थित किए बिना निम्नलिखित विकल्पों में से किसके द्वारा एक सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर को बदला जा सकता है? तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, शाफ्ट लोड को अवस्थित किए बिना यानी बिना विदाउट लोड, यानी शाफ्ट लोड को अव्यवस्थित किए बिना यानी बिना उसको बदले, बिना निम्नलिखित विकल्पों में से किसके द्वारा एक सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर को बदला जा सकता है? तो देखिए दोस्तों गति को बदलकर नहीं बदल सकते, क्षेत्र उत्तेजना को नियत रखकर नहीं बदल सकते, शक्ति को परिवर्तित कर नहीं बदल सकते, केवल किसके द्वारा बदल सकते हैं हम? क्षेत्र उत्तेजना को बदलकर। किसके द्वारा दोस्तों? क्षेत्र उत्तेजना को बदलना, फील्ड एक्साइटेशन को हम बदल देंगे तो उसके पावर फैक्टर को क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। और सिंक्रोनस मोटर ऐसी होती है दोस्तों जो आपके तीनों पावर फैक्टर पर ऑपरेट होती है। किस पे ऑपरेट होती है दोस्तों? तीनों प्रकार के पावर फैक्टर पर ऑपरेट होती है, लैगिंग हो, लीडिंग हो, चाहे यूनिटी हो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, ल्यूमिनस फ्लक्स निम्नलिखित तरंगों में से किस तरंग से लगातार निकलने वाली ऊर्जा है? तो देखिए दोस्तों किस में से निकलता है ल्यूमिनस फ्लक्स? जनरली हमारा प्रकाश तरंग में से। क्या होता है दोस्तों? किस प्रकार की ऊर्जा है? एक प्रकाश तरंग में से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि डीसी मोटर में गति पर नियंत्रण, डीसी मोटर में गति पर नियंत्रण डैश द्वारा क्षेत्र या आर्मेचर प्रतिरोध का परिवर्तन ना करके उपयोग किए गए वोल्टेज को बदलकर प्राप्त किया जाता है। तो किस में वोल्टेज को प्राप्त किया दोस्तों? प्रयुक्त वोल्टेज में बदलाव करके। किस में दोस्तों? प्रयुक्त वोल्टेज में बदलाव करके किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों अगर आपको कहीं पर पूछ लिया जाए कि स्पीड कंट्रोल मेथड कौन सा हो डीसी में, डीसी मोटर के लिए, तो जनरली देखिए दोस्तों एक हमारा फील्ड कंट्रोल भी होता है, क्या होता है? आर्मेचर कंट्रोल मेथड भी होता है। ठीक है दोस्तों, एक फील्ड कंट्रोल मेथड एंड क्षेत्र नियंत्रण विधि, और एक चौथा ऑप्शन दे रखा है आर्मेचर नियंत्रण विधि से भी द्वारा भी हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं डीसी मोटर की। ठीक है दोस्तों, आपको इस चीज़ का याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आमतौर पर लचीले और हल्के होते हैं, आमतौर पर लचीले और हल्के होते हैं। ऑप्शन क्या देखो? तरल इंसुलेटर, ठोस इंसुलेटर, गैस इंसुलेटर, नरम पदार्थ इंसुलेटर। तो देखिए दोस्तों क्या होते हैं हमारे आमतौर पर लचीले और हल्के कौन से होते हैं दोस्तों? नरम पदार्थ इंसुलेटर होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? नरम पदार्थ इंसुलेटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइन दोष का पता लगाने के लिए लिंक पर अर्थ लाइन को जोड़कर निम्नलिखित में से किसे अस्थायी रूप से रख दिया जाता है? तो देखिए दोस्तों किसको रखा जाता है? अर्थ लाइन लिंक को रख दिया जाता है। किसको? अर्थ लाइन लिंक को रख दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक तापीय वाल्व आधारित सर्किट है, यानी एक तापीय वाल्व आधारित सर्किट है जो इनपुट सिग्नल के आयाम को बढ़ाने में सक्षम है। तो देखिए दोस्तों इनपुट सिग्नल के आयाम को यानी एम्पलीट्यूड को बढ़ाने में सक्षम कौन होता है? एक एम्पलीफायर होता है दोस्तों। कौन होता है? एक एम्पलीफायर होता है, यानी एम्पलीफायर के द्वारा सिग्नल्स को क्या किया जाता है? एम्पलीफाई कर सकते हैं। यानी एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है? प्रवर्धक बोलते हैं उसको हिंदी में। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रवर्धक बोलते हैं। और ये सिग्नल को क्या करता है? बढ़ा के भेज देता है। क्या करता है दोस्तों? बढ़ा के भेज देता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों हमारा हमारा इसमें देखिए आपको दिखाते हैं कि अगर ये हमारा सिग्नल इस प्रकार से होगा तो प्रवर्धक क्या करता है दोस्तों? इस सिग्नल को बढ़ा के भेज देगा। क्या करता है दोस्तों? बढ़ा के भेजना क्या करता है? कार्य करता है। क्या होता है? एम्पलीफायर का कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, एम्पलीफाई करना। ठीक है ना, ये लाउड स्पीकर वगैरह में क्या करते हैं? जनरली यूज़ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पी टाइप अर्धचालक यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग के लिए निम्नलिखित सामग्रियों में से किस एक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों पी टाइप में किसका किया जाता है? इंडियम का किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? इंडियम का किया जाता है। मैं आपको इसमें और एक चीज़ बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो हमारे पी टाइप, अगर मैं बात करूँ दोस्तों पी टाइप मटेरियल की, किसी बात करें दोस्तों पी टाइप मटेरियल की बात करता हूँ, तो पी टाइप मटेरियल बनाने के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? ट्राई वैलेंट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं दोस्तों?
ट्राई वैलेंट तत्व का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है ना? आपको याद रखना है किसका यूज़ करते हैं, ट्राई वैलेंट तत्व का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, यानी जिनकी अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन तत्व का क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों? आपको इस चीज़ का याद रखना है। और यदि हम एन टाइप बनाएंगे, एन टाइप की मैं बात करूँ, एन टाइप मेटल में क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, पेंटावैलेंट, क्या यूज़ करते हैं, पेंटा वैलेंट तत्व का क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों? किसका यूज़ करते हैं, पेंटावेलेंट का यूज़ करते हैं, जिनकी अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे फास्फोरस वगैरह, आर्सेनिक वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, हम जनरली हम यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों? आपको इस चीज़ का याद रखना है, ठीक है दोस्तों? चलिए अगले की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि कार्बन फिलामेंट लैंप डैश का एक उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, जो कार्बन फिलामेंट लैंप होता है वह उद्दीपक उद्दीप्त इनकैंडिसेंट लैंप का उदाहरण होता है, यानी इनकैंडिसेंट लैंप का क्या है, उदाहरण होता है, ठीक है दोस्तों? ये जनरली जैसे हमारा होता है ना कार्बन, एक फिर कार्बन आपने पढ़ा होगा, कार्बन फिलामेंट लैंप या टंगस्टन फिलामेंट लैंप, तो किसका एक उदाहरण है, एक इनकैंडिसेंट लैंप का ही क्या है, उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक FET, FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों इसकी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वो टर्मिनल जिसके माध्यम से चैनल में बहुसंख्यक वाहकों का प्रवेश होता है, यानी जिसके माध्यम से किस में होता है दोस्तों, बहुसंख्यक वाहकों का क्या होता है, प्रवेश होता है, उसको डैश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, सोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, सोर्स कहलाता है। इसमें भी आपके दोस्तों टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, ड्रेन, सोर्स और गेट होता है। क्या होता है दोस्तों, ड्रेन, सोर्स और गेट होता है। तो एंटर किस से मारेंगे दोस्तों, सोर्स की ओर से क्या होगा, हमारे बहुसंख्यक वाहकों का प्रवेश होता है, ठीक है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है हमारा, डायोड को ध्रुवी द्विध्रुवीय साधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि, देखिए क्यों किया जाता है दोस्तों, आंसर है इसका, उनमें माध्यम से धारा का चालन दोनों छिद्रों और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, यानी उसमें जो देखिए दोस्तों धारा का जो चालन होता है वो दोनों कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण, दोनों के कारण क्या होता है, होता है, ठीक है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरपोल पद्धति में इंटरपोल्स को मुख्य पोलों के बीच रखा जाता है ताकि, इंटरपोल पद्धति में इंटरपोल्स को मुख्य पोलों के बीच रखा जाता है ताकि स्पार्किंग का मान कम रहे। क्या रहे दोस्तों, स्पार्किंग का मान कम रहे। और ये किस में यूज़ किया जाता है दोस्तों, जनरेटर वगैरह है, मोटर में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं स्पार्किंग को कम करने के लिए। क्या यूज़ किया जाता है दोस्तों, एक इंटरपोल मेथड का यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, इंटरपोल मेथड का यूज़ किया जाता है। और इंटरपोल जो होता है हमारे मेन पोल्स के बीच में जो छोटा पोल स्थापित करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम इंटरपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटरपोल बोलते हैं। और जो इसका जो कनेक्शन होता है दोस्तों वो रहता है आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में इनको जोड़ा जाता है, ठीक है ना? यानी इनको आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, ठीक है ना? और इसका काम क्या होता है दोस्तों, स्पार्किंग को कम करना, ठीक है ना? इंटरपोल का कार्य क्या होता है कि स्पार्किंग को कम करना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि बिजली माध्यम नियंत्रक और उपभोक्ता विद्युत उपकरण एक युक्ति युक्त एक सर्किट को डैश कहते हैं, यानी बिजली माध्यम नियंत्रक और उपभोक्ता विद्युत उपकरण युक्त एक सर्किट को डैश कहते हैं। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, एक क्लोज सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्लोज सर्किट कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों? क्या पूछे, बिजली माध्यम नियंत्रक और उपभोक्ता विद्युत उपकरण युक्त एक सर्किट को क्या कहते हैं, एक बंद सर्किट यानी क्लोज्ड सर्किट कहते हैं, यानी ऐसा परिपथ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही हो, ठीक है ना? ये क्या कहलाता है, क्लोज सर्किट कहलाता है, ठीक है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह मोटर जिसमें फील्ड सीरीज वाइंडिंग द्वारा जिसमें फील्ड सीरीज वाइंडिंग द्वारा फील्ड वाइंडिंग का विरोध होता है डैश कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, कि विरोध किस में होता है, सीरीज वाइंडिंग द्वारा फील्ड वाइंडिंग का विरोध किस में होता है, तो ऐसा होता है दोस्तों डिफरेंशियल मोटर में होता है। किस में होता है दोस्तों, डिफरेंशियल मोटर में होता है, ठीक है दोस्तों? आप इस चीज़ का याद रखना है, डिफरेंशियल मोटर में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति अधिकतम डैश पर होती है, किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये मैग्नेटिक सर्किट से है, तो इसमें क्या पूछा है जनरली कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति अधिकतम होती है। तो दोस्तों आपने सुना होगा जो हमारे मैग्नेट्स होते हैं उसमें हम पढ़ते हैं इसके कि चुंबक की जो शक्ति होती है वो ध्रुवों पर क्या होती है, सर्वाधिक होती है, ठीक है दोस्तों? क्या होती है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। और मैग्नेट में हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, दो पोल होते हैं। मैग्नेट में क्या होते हैं दोस्तों, हमारे दो पोल होते हैं। अगर मैं बाहर मैग्नेट की बात करूँ तो एक हमारा नॉर्थ पोल होगा और एक क्या होगा दोस्तों, साउथ पोल होगा, ठीक है ना दोस्तों? एक नॉर्थ पोल होगा और एक क्या होगा, साउथ पोल होगा, ठीक है ना? तो जो इसकी जो सामर्थ्य ज़्यादा होती है वो कहाँ होती है दोस्तों, इससे पोल्स पर क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना? यानी इनके पोल्स पर क्या होगी, इसकी सामर्थ्य अधिक होती है, ठीक है? आपको इस चीज़ का याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे विषम वाहक यानी इंसुलेटर का लक्षण है।
तो देखिए दोस्तों, इसमें पहले ही आंसर दिया हुआ है कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। अगले ऑप्शन हम देख लेते हैं कि इसका परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बल कम होना चाहिए। नहीं दोस्तों, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। इसका परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बल शून्य दोस्तों शून्य नहीं होना चाहिए, भाई भी बताया था आप लोगों को कि अधिक होना चाहिए। और उसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए। नहीं दोस्तों, कम भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, जैसे कि आपसे ऊपर पूछा गया था। देखिए दोस्तों, लगभग उसके जैसे बिल्कुल क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है, बस थोड़ा सा घुमा के उसने पूछ लिया है। तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होना चाहिए दोस्तों, उच्च होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक चक्र में किसी एसी के ईएमएफ या किसी चक्र में यानी एक चक्र में किसी एसी के ईएमएफ या विद्युत धारा के सर्वोच्च मान को डैश कहा जाता है, डैश कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, एसी के ईएमएफ लिखा हुआ है या विद्युत धारा के सर्वोच्च मान को डैश कहा जाता है। तो पीक वैल्यू में देखिए दोस्तों, आई मैक्सिमम पूर्ण आई आरएमएस होता है दोस्तों, क्या होता है, ये आरएमएस वैल्यू पूछी गई हुई जनरली। तो इसका आंसर क्या रहेगा, पीक वैल्यू कहा जाता है। क्या कहता है दोस्तों, यानी पीक वैल्यू क्या होती है दोस्तों, आई मैक्सिमम पूर्ण आई आरएमएस का रेशियो जो होता है क्या कहलाता है, पीक कहलाता है, यानी पीक वैल्यू होती है, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी, ठीक है ना, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारी क्या होती है दोस्तों, पीक वैल्यू होती है। क्या बोलते हैं उसको, हम पीक वैल्यू बोलते हैं। अगर मैं इसको इस तरह प्रकार से बनाऊं, ये देखिए दोस्तों, ये मेरी साइकिल हो गई एसी की, तो ये देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, पीक पॉइंट बोलते हैं, पीक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पीक वैल्यू बोलते हैं। ये पॉजिटिव में पीक वैल्यू है और ये निगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है और ये क्या है, मैक्सिमम निगेटिव में रहेगी। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम पीक पॉइंट बोलते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं, ठीक है दोस्तों, आपको इस चीज़ को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक अल्टरनेटर का वोल्टेज वीएनएम विनियमन, यानी इसको बोलते हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन कम होता है जब लोड सर्किट में डैश होता है, जब लोड सर्किट में घटता हुआ पावर फैक्टर होता है। देखिए कब होता है दोस्तों, कब वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा, जब घटता हुआ पावर फैक्टर होगा, ठीक है दोस्तों, आपको इस चीज़ का याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षारीय शैलों में निकिल हाइड्रोक्साइड, क्षारीय शैलों में निकिल हाइड्रोक्साइड और निकिल पाउडर का इस्तेमाल डैश के रूप में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, किस में किया जाता है, धनात्मक प्लेट के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है दोस्तों, धनात्मक प्लेट के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस में शुरुआती धाराओं को एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करके घटाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ए निम्नलिखित में से शुरुआती धारा को एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करके घटाया जाता है, तो किस में होता है दोस्तों, केवल ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में होता है। किस में होता है दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में होता है, आपको इस चीज़ का याद रखना है, ठीक है दोस्तों। यानी जो मोटर होती है हमारी, ये जो सब हमारे स्टार्टर आपको दिए गए हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डोल स्टार्टर बोलते हैं इसको, पूर्ण लोड स्टार्टर या स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये जो जनरली हमारे स्टार्टर है दोस्तों, ये यूज़ किया जाता है हमारे इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और आपको जनरली पता भी होगा कि स्टार्टर को हम यूज़ किस लिए करते हैं, तो मोटर स्टार्टर का मतलब क्या है, स्टार्ट करना, यानी मोटर को स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, स्टार्टर का यूज़ करते हैं, ताकि जो स्टार्टिंग करंट जो ज़्यादा होती है उसको लिमिट किया जा सके, ठीक है दोस्तों। मैं स्टार्टर पर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि स्टार्टर वर्क कैसे करता है, स्टार्टर दिखने में कैसा होता है, ठीक है, आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी दिखा देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक नो लोड स्थिति में एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ उसके डैश के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, एक नो लोड की जो स्थिति होगी, अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न जो ईएमएफ होगा उसके टर्मिनल वोल्टेज के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों, उसके टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संपीड़ित कार्बन पाउडर और एक उपयुक्त रेजिन बंधक युक्त प्रतिरोधों को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध कहा जाता है, यानी रजिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, कार्बन, आपने सुना होगा दोस्तों कार्बन रजिस्टर होते हैं, तो क्या कहा जाता है उसको, कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध यानी कार्बन रजिस्टर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक एक कम्यूटेटर के आसान आसनन क्षेत्र से जुड़ी एक कम्यूटेटर के आसनन क्षेत्र से जुड़ी किसी कुंडली के शुरुआती तथा समाप्ति के छोरों को डैश ग्रुप में जाना जाता है। तो दोस्तों किस ग्रुप में जाना जाता है, लेफ्ट वाइंडिंग की बात की है, किसी बात की है दोस्तों, उन्होंने लेफ्ट वाइंडिंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एसी सर्किट में अगर विरोध यानी रिएक्टेंस शून्य है, ठीक है दोस्तों, यानी एसी सर्किट में अगर रिएक्टेंस शून्य है तो पावर फैक्टर क्या होगा दोस्तों, तो पावर फैक्टर वैल्यू क्या रहेगी, वन रहेगी, यूनिटी रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों, पावर फैक्टर वैल्यू क्या रहेगी, वन रहेगी, ठीक है दोस्तों, आपको इसी का रखना, क्या रहेगी, वन रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट और की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक डीसी शंट मोटर के थ्री पॉइंट स्टार्टर में आर्मेचर वाइंडिंग जल सकता है यदि स्टार्टर हैंडल यदि एक डीसी शंट मोटर के थ्री पॉइंट स्टार्टर में आर्मेचर वाइंडिंग जल सकता है यदि स्टार्टर हैंडल
क्या हो दोस्तों, जल्दी से घुमाया जाए यानी तेजी से उसको मूव कराया जाए, तो क्या होगा, हमारी आर्मेचर वाइंडिंग जल सकती है। क्योंकि दोस्तों आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस लगभग क्या होता है, 1 ओम होता है। और अगर स्टार्टिंग में रेजिस्टर इसमें इंसर्ट नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, तो हमारी वाइंडिंग क्या हो सकती है, फूक सकती है। ठीक है दोस्तों, क्या हो सकती है, वाइंडिंग हमारी फूक सकती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि फॉरवर्ड बाइसिंग में पी टर्मिनल सकारात्मक पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और एन टर्मिनल डैश जुड़ा होता है। तो दोस्तों जो वो डायोड होता है हमारा, अगर मैं डायोड की बात करूँ तो फॉरवर्ड बायस होता है और एक रिवर्स बायस कंडीशन होती है ना। तो फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से क्या करते हैं, संयुक्त करते हैं, क्या होती है हमारी फॉरवर्ड बायस होती है। और रिवर्स बायस में क्या होता है दोस्तों, इसका जस्ट विपरीत होता है, यानी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या कनेक्ट करते हैं, डायोड के एन टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और बैटरी का निगेटिव सिरा कनेक्ट करेंगे डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, आपको इस चीज़ का याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस कुचालक इंसुलेटर पदार्थ के रूप लिए निम्नलिखित में से किस कुचालक इंसुलेटर पदार्थ के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की माप की जांच की जाती है। तो देखिए दोस्तों, किसके लिए की जाती है, केवल ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर ऑयल के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की माप की जाँच की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नियम के सत्यापन के लिए तांबा और रजत सिल्वर वाल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, किसका यूज़ किया जाता है, फेराडे के दूसरे नियम के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दोस्तों, फेराडे का दूसरे नियम के लिए किया जाता है। आपको पता होगा दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइसिस के 2 नियम थे, एक प्रथम नियम और एक द्वितीय नियम, आपको इस चीज़ का याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि एक ऐसा उपकरण यानी डैश एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा करने और तोड़ने के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक सर्किट को तोड़ने जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, जनरली स्विच का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, स्विच का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको ये वीडियो जनरली इसलिए लेके आया था ताकि आप इसको पढ़ें। और देखिए दोस्तों, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो मैं आपसे मतलब मैक्सिमम आपको कुछ से क्वेश्चन मिल सकते हैं, उम्मीद रहती है। क्योंकि आपने पिछली बार भी देखा होगा, आपको 2, 4, 5 क्वेश्चन इसमें से जरूर मिलेंगे। और अगर आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, तो आपका बहुत ही योगदान रहेगा इसमें, ठीक है ना, यानी आपके नंबर जो आते हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, मैं यहीं पर इतना ही आपसे कहना चाहूँगा। धन्यवाद।